औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एचपीएलसी की ट्रेनिंग कंडक्ट कराएंगे और आज की जो एचपीएलसी के ऊपर ट्रेनिंग है उसका जो कंटेंट्स हैं वो ये होंगे कि एचपीएलसी के कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कन्फिगर होते हैं, और फिर वो एचपीएलसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ और कंप्यूटर के साथ कैसे कन्फिगर हुए हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो बताएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग जो है वो पैरामीटर्स तमाम एचपीएलसी के सेट करना सिखाएंगे कि एचपीएलसी के पंप के पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, डिटेक्टर के कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये बताएंगे कि मेथड को कैसे डेवलप करना है, बनाना है, न्यू मेथड कैसे बनाना है, और उसके बाद फिर फर्स्ट रन कैसे लगाना है और उसके पैरामीटर सेट करने हैं, और उसके बाद जब पीक्स आ जाती हैं तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये आज की हमारी एचपीएलसी की ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिएगा एचपीएलसी की कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू। आज हम जो है सॉफ्टवेयर इजी क्रोम के नाम से एचपीएलसी सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हुक्ड अप है एचपीएलसी स्मार्ट जू LC10A सीरीज के साथ। ये हमारा जो है पंप है LC10A, इसके बाद ये हमारा डिटेक्टर है SPD10A, और ये इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम कंट्रोलर है SCL10A। ये VP सीरीज का है जो कि वैलिडेशन प्रोटोकॉल के साथ है। इसके बाद इसके साथ हमारा ये सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेट कर रहा है ये इंटरफेस का काम करता है, बेसिकली ये जो सिस्टम कंट्रोलर है, और ये कंप्यूटर के साथ इस HPLC को कम्युनिकेट करता है, इंटरफेस करता है, और ये जो CPU है हमारा इसके अंदर हमारा EasyChrome सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद इंट्रोडक्शन की ऐसा ज़रूरत इसलिए नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ सिर्फ इसमें, मैं आप ग्रोथ करें ज़रा। इसके अंदर ये है कि इसमें सिर्फ हम लोग फ्लो रेट सेट करते हैं, इसके अंदर हम लोग वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं, और इन दोनों को यहाँ पे हम लोग दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है, और ये आप देख रहे हैं बहुत से यहाँ पे LC10A लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स के LC जो पंप है वो इसके साथ कम्युनिकेटेड है, और ये डिटेक्टर जो है ये SPD10A इसके साथ कम्युनिकेटेड है, और ये दोनों चीज़ें इसके साथ फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए कनेक्टेड है। तो ये सिर्फ शिमार्जू के फैसिलिटी के जो है अंदर ये चीज़ है कि हम फाइबर ऑप्टिक के साथ हम लोग इसको कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। आए अब हम सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का आइकॉन है, इसको गौर से देख लें, इसको डबल क्लिक करेंगे इजी जी। इसको कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ हमें चेक करनी है कि कम्युनिकेशन के लिए कुछ पैरामीटर सेट करने होंगे, वो मे बी आपको हर दफ़ा करने पड़े, और उसका तरीकाकार बता देते हैं। क्लोज करें। सबसे पहले हम लोग मेन मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। मेन मेन्यू के अंदर फोर सिस्टम क्या है हमारा, इस स्क्रीन को हम लोग फॉरवर्ड कर लेंगे जस्ट नेक्स्ट। जो ये स्क्रीन आई है इसके ऊपर कुछ पैरामीटर हम एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर चैनल 1 चल रहा है तो ये तो चैनल 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लास VP है वो 5x करना है हमें। तो ये एरो के ज़रिए हम लोग नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे दो दफ़ा तो ये 5 पे आ गया। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे, जो कम इंटरफेसिंग है वो ऑप्टिकल लिंक के ज़रिए नहीं है, RS232। ये कौन सा लिंक है, ये इसका इसके साथ लिंक नहीं है, ये वाला जो लिंक हम सिलेक्ट करें वो इसका इसके साथ लिंक है, इसका इसके साथ लिंक है, तो ये RS232 सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो ये जो बॉड रेट है ये हमने, ये नीचे ऑप्शन सारी आ रही हैं 300 से लेके 19,200 तक, हम 19,200 सेलेक्ट करेंगे। 19,000 ये फिक्स पैरामीटर्स हैं जो कि ये करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसको हम एंटर करने के बाद हम एंटर करेंगे, बाकियों के ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत नहीं, इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के जो नीचे आ गया इसको स्टैंडर्ड से हम लोग इन्हांस की तरफ ले जाएंगे। नाउ दिस इज इन्हांस, एंटर, ठीक है। ये पैरामीटर अब सेट हो गए हैं, लोड करके दिखा दें कि क्या हैं पैरामीटर सारे, एक दफ़ा ये चीज़ लोड कर लें। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको एक दफ़ा टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑफ करने के बाद 10 सेकंड के बाद हम लोग इसको टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑफ और ऑन करने से ये होता है कि ये एक्टिवेट हो जाती है, जो पैरामीटर्स हमने इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं।
दोबारा देखें, ये LC10 है और SPD10 है, दोबारा इसके ऊपर स्क्रीन पे अपीयर हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, इट मींस के पंप और डिटेक्टर कॉन्फ़िगर हो चुका है इसके साथ। अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। सॉफ्टवेयर में जब हमने डबल क्लिक आइकॉन किया तो ये वाली स्क्रीन आई, इसके ऊपर ये हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है। हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक से ज़्यादा सिस्टम भी चला सकते हैं। इधर अभी स्मार्ट जू का है, इसके साथ पक्का नैनर का भी चला सकते हैं, इसके साथ वाटर्स का भी चला सकते हैं। अभी हमारे पास जो कि स्मार्ट जू जापान का सिस्टम है, तो मैंने इसके ऊपर यही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम सॉफ्टवेयर इजी क्रोम को ऑन करते हैं और इसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये इसका आइकॉन है जो कि मैं क्लियर कट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये नज़र आ रहा है आइकॉन इजी क्रोम सॉफ्टवेयर का, इलाइट के नाम से। डबल क्लिक करेंगे, ये वाला एक सिस्टम शुमारू LC सिस्टम जो इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, जो कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसको हम लोग पहले जब भी खोलने लगेंगे तो इसके अंदर, क्योंकि ये CFR कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ये बगैर यूज़र के नहीं खुलेगा, ठीक है, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर जा रहा हूँ और फिर उसके बाद सभी साहब के नाम से जो मैंने राइट्स इनको दिए हुए उसके मुताबिक इनको मैं सारा प्लान लॉगिन करके दिखा दूँगा। अभी हम लोग इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम QCS, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड के साथ मैं जाऊँगा, ठीक है, और नॉटे के नाम से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसका। ये बीप की आवाज़ जो है ये शो करती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर गया है। ओके करेंगे हम लोग, और अब हम इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जा सकते, अभी कॉन्फ़िगर हो चुका है जो कि इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आ रही, कॉन्फ़िगर हो चुका है ये, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके अंदर, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे बाहर ये ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो रन क्यू है, इसके साथ हमारा ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे हम कॉल, ये पे हम लोग पंप की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, ये डिटेक्टर की सेटिंग सेट कर सकते हैं, ये इसका टाइम प्रोग्राम है, ये एनालॉग्स हैं, कॉलम इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे मेथड डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं, और इसके अलावा ये सारी बारी बारी चीज़ें सारी, ये बेसलाइन चेक है, उसकी पैरामीटर्स हैं। बेसिकली यहाँ आज बेसिक जो सिखाने का मकसद ये है कि हम पंप की और डिटेक्टर की पैरामीटर एज पर टेस्टिंग मेथड्स हम लोग सेट कैसे करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि हम लोग जाएंगे सबसे पहले पंप की सेटिंग के अंदर। ये दोबारा मैं बताता हूँ ये कैसे हम लोग गए हैं, इसको क्लोज करके यहाँ पे जाना है हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप। इंस्ट्रूमेंट सेटअप में खोलते हैं तो ये सारे आ जाते हैं पैरामीटर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे अब पंप के पैरामीटर्स में क्या है, आइसोक्रेटिक है। अभी हमने इसको ग्रेडिंग पे नहीं किया जाए, एक पंप मौजूद है, दूसरा पंप नहीं है, तो इसको हम लोग ग्रेडिंग नहीं कर सकते, तो इसको हम आइसोक्रेटिक ही रखेंगे। आइसोक्रेटिक के ऊपर ये फ्लोरेट है। अब मैं अगर फर्स्ट करूँ यहाँ पे फ्लोरेट 1 ml सेट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे इसको क्लोज करें, डाउनलोड मेथड के ऊपर जाके हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे मेथड को, और ये जो ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पे हमें 1 ml का फ्लोरेट मिलना शुरू किया। दिखाएं ये यहाँ पे आप देखें, ये 1 ml हो गया जो कि 0 था, और साथ ही पंप चलना शुरू हो जाएगा। इसको चूँकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम चला रहे थे, इसको हम पहले हम लोग ड्रेन कर लेंगे, जितने भी हमारे प्राइम हो जाएगा सारा एयर बबल्स एवरीथिंग वो प्राइम हो जाएगा। और इसका मैं दिखा दूँ कि इसके अंदर हमारा ये ड्रेन पाइप है जहाँ से ड्रेन, ये जो है हमारा ड्रेन होगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग इसको ऑन रख खोले रखते हैं ताकि अंदाजा, ये हमने ड्रेन पैक खोला है और जितना भी सॉल्वेंट है वो इसके अंदर से सक्शन करके, ये हमारा रिजर्वायर है जो कि ये नज़र आ रहा है, यहाँ से लिक्विड आता हुआ इसके आएगा, यहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा यहाँ से। अभी थोड़ी देर में अगर और से अगर आप फोकस करें तो इसके अंदर से बबल निकलते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक। इसकी स्पीड थोड़ी सी हम तेज़ करते हैं ताकि जो है ना ये बबल, इसको मैं 5 ml कर देता हूँ, 5 ml डाउनलोड मेथड, ओके। अभी यहाँ पे 5 ml हो जाएगा, ये देखें 5 ml, ठीक है। और सोल्यूशन भी इधर से इसको किसी ड्रेन में, वो ड्रेन है, इसको नीचे रखें ड्रेन को, यहाँ पे रखें टेबल पर, टेबल पर रखें, ठीक है। तो ये जो है अभी जब बबल सारे निकल जाएंगे तो हम लोग इसको करेंगे टिश्यू पेपर लगे पॉज कर दी,
यहाँ से हम लोग जीरो भी कर सकते हैं, जीरो फ्लोरेट करेंगे तो भी बंद हो जाएगा 0.0, एंटर यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये वहाँ पे पंप बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका पंप बंद करने का तरीका जो है तो ये है कि यहाँ पे हमें ठीक है पंप बंद हो गया हमारा। अब हम ये करेंगे पॉज कर दें तो उसको कॉलम को कनेक्ट कर देंगे। अभी जो है ना अभी पंप को हमने चेक कर लिया कि पंप कम्युनिकेट कर रहा है, जब हमने इसका फ्लो रेट 1 किया तो 1 हो गया, जो 5 किया तो 5 हो गया। अभी हम डिटेक्टर को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर के ऊपर पैरामीटर जो हैं ये हैं, वेवलेंथ सेट करनी है और कुछ भी चीज़ और चेंज छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वेवलेंथ 254 की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 300 कर देता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड मैथड के ऊपर जाऊँगा तो ये यहाँ पर देखें 250 से 300 हो जाएगा, तो ये देखिए 300 हो गया, मीन्स कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो आज हम लोग जो स्टैंडर्ड चलाएंगे वो 254 के ऊपर है, तो अगेन मैं इसको 254 कर देता हूँ। ये सिर्फ हमने चेक करने के लिए, इसको हमने 300 करके दिखाने के लिए मैंने किया। ओके, अभी हम मेथड बनाने का तरीका सीखते हैं कि इजी क्रोम के अंदर जो मेथड डेवलपमेंट कह लें या मेथड बनाने का तरीका वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये करना है कि हमने फाइल मेथड और यहाँ पे न्यू मेथड करेंगे। अगर पहले से मौजूद है कोई मेथड तो उसको हम डिफ़ॉल्ट के अंदर भी ऑन करके ओपन करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। न्यू मेथड जब हम खोलते हैं तो दो तरीके हैं न्यू मेथड बनाने के, एक मेथड विजिट के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा न्यू मेथड। न्यू मेथड में आपको पैरामीटर सारे जीरो मिलेंगे जिसको अंदर हम खुद सेटिंग करेंगे, लेकिन जो मेथड विजिट के अंदर वो हमें पूछता जाता है कि कैसे कैसे आप चलते जाएं और मेथड बनता चला जाए। न्यू मेथड के अंदर हम जाते हैं, पिछले मेथड को सेव करने की कमांड आई है, इसको फिलहाल नो करते हैं क्योंकि हमने कोई मेथड अभी तक बनाया नहीं। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमें सिस्टम हमें मिल रहा है, सबसे पहले पंप के ऊपर जाते हैं। हमारा जो मिथाइल कार्बाइन रेफरेंस स्टैंडर्ड है इसको चलाने के लिए हमें जो है जो आइसोक्रेटिक सिस्टम यूज़ करेंगे, जो कि ये है आइसोक्रेटिक, उसके बाद जो कांस्टेंट है वो फ्लो होता है, ये हर एचपीएलसी मेथड में फ़्लो कांस्टेंट होता है। पंप ए मैं इसकी 2 ml कर देता हूँ और बाकी ये प्रेशर लिमिट्स हैं पंप की, ये 9.8 MPa के अंदर चल रहा है अभी तक, तो 9.8 MPa मैक्सिमम प्रेशर लिमिट होती है, हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, हम इसको काम करेंगे 5.0 कर देते हैं। खुदा ना खासा कॉलम चौक होता है तो ताकि ये इससे पहले कि कोई और चीज़ को डैमेज करे हमारा पंप बंद हो जाएगा। अब ये हम लोग सेव, ये हमने पैरामीटर सेट कर दी। अब आगे आते हैं सिस्टम कंट्रोलर, इसके ऊपर अंदर हमने देखना ये है कि पावर ऑन टिक होना चाहिए, ये ध्यान रखें। सिस्टम कंट्रोलर का पावर ऑन टिक नहीं होगा तो ये हमारा यहाँ से एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ पर पावर ऑन होना चाहिए और बाकी चीज़ें इसको ऐसा छोड़ देंगे सिस्टम। अब आ गया हमारा SPD 10A हमारा डिटेक्टर, और डिटेक्टर के अंदर जो है पैरामीटर जो सेट करने हैं वो होती है सिर्फ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी 254 ही है, तो 254 ऑलरेडी सेट है, कोई इशू नहीं है। लेंथ देख लें 2 है और क्लैरिटी पॉजिटिव, यानी कि पीक्स हमारी पॉजिटिव वाली सेट आनी चाहिए, रिस्पॉन्स 0.5 सेकेंड, ये वैसे ही रखना है जैसे कि डिफॉल्ट में होता है, इसमें कोई चीज़ यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रन टाइम। हमारा रन टाइम फर्स्ट करें, हमारा मिसाल कैरबीन का एक एग्जांपल है 3 मिनट्स है, तो हम इसको 2 मिनट या 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, तो हमें यहाँ पे 5 मिनट्स रन टाइम लिख देता हूँ। रन टाइम 5 मिनट्स का मतलब ये है कि 5 मिनट्स के बाद जाके हमारा ये क्रोमेटोग्राम रुक जाएगा, एनालिसिस रुक जाएगा और साथ ही ये इंटेग्रेट कर देगा क्रोमेटोग्राम, और बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। आगे आते हैं, एनालॉग को छोड़ दें, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करें। यहाँ भी रन टाइम आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, हमने कितना रखा है 6 मिनट 5 मिनट रखा, देख लेते हैं 5 मिनट रखा, 5 मिनट। ओके, तो डिले नहीं देना चाह रहे हम लोग, आगे आ जाए टाइम प्रोग्राम, ये उस वक्त करेंगे जब आप ग्रेडियंट करेंगे, बात फॉलो कर ली। टाइम प्रोग्राम जो होता है वो ग्रेडियंट के लिए होता है, आइसोक्रेटिक के लिए नहीं होता, लेकिन इसमें भी आप टाइम प्रोग्राम इस तरह का दे सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरा एनालिसिस इतने मिनट में ख़त्म हो जाएगा, या आप वॉशिंग पे लगा के चले गए तो आप यहाँ पे लिख दें कि 90 सेकंड मिनट्स के बाद मेरा पंप रुक जाए, तो
इस तरह की प्रोग्रामिंग आप कर सकें, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा दूसरे सेशन कि इस तरह की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं कि आप, हमारा डेंसिस ख़त्म हो गया है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है मशीन वॉशिंग का, तो वॉशिंग इसके ऊपर ऑटो पे लगा के चले। तो ऑटो पे लगाने का मतलब यह है कि हम इसके अंदर यहाँ प्रोग्राम लगाएंगे, मान लिख लूँगा 90 मिनट्स के अंदर यहाँ पर स्टॉप हो जाए, तो वो स्टॉप हो जाएगा, खास शट डाउन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये अभी हम फिलहाल इसको नहीं एक्टिवेट करते, आगे चलते हैं। कॉलम इन्फॉर्मेशन, ये कॉलम इन्फॉर्मेशन जो है ये जस्ट मेथड के लिए है कि आप मेथड की फाइल प्रिंट लेना चाहते हैं कि मैंने कौन सा मेथड आप बनाया था। हम मैसेज जैसे आज का मैं लिखने लगा हूँ, कॉलम डिस्क्रिप्शन है मेरा C8 है, C18 है कॉलम, ठीक है, और 250 सेंटीमीटर C18 250 सेंटीमीटर ओके इंटू 0.46 ठीक है, ये 250 mm ओके। सीरियल नंबर अगर इसका कोई है 1234 जो भी है डाल लें, ये मेथड के अंदर इसका कोई अलग एनालिसिस के साथ नहीं है, जस्ट मेथड के साथ। तो अनरिटेन पीक्स, एक टाइम पीक टाइम, अभी यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे आएगा ऑप्शन नहीं है कि अनरिटेन पीक्स हैं, कोई 10 मिनट के बाद कोई एक्स्ट्रा पीक निकल गई है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई मसला नहीं। या कॉलम की लेंथ डायमीटर दी गई है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे दी है, इसको यहाँ से निकाल भी दें अगर तो यहाँ नीचे आ रही है 50, डायमीटर है 0.46, लेंथ है 250 mm और पार्टिकल साइज है इसका 5 माइक्रॉन का है, 0.46 आ गया, अच्छा ये 46 mm होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया पोर साइज इसका 100 होता है, और ये सारी अगर मोबाइल फेज में अगर आप कहते हो कि मेरा है पहला पोर है फेज ऐसे ठीक है, और इसके साथ वाटर चल रहा है मेथनॉल वाटर, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकते हैं 50% ओके, और ये भी 50% 50-50 मार्टर मेथनॉल चलाया फर्ज करें तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये सारा मेथड देख लें, दोबारा रिव्यू करते हैं हम लोग। पाम की पैरामीटर 2 ml, सिस्टम कंट्रोलर पावर ऑन SPD10A254, हाँ 5 मिनट्स इसका टेंशन है रन टाइम, देन टाइम प्रोग्राम हमने नहीं डाला और स्टॉप का डाला हुआ, डेढ़ घंटे बाद स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर इसको ख़त्म करना चाहिए यहाँ रख के डिलीट कर लें, इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ये रहने देंगे आगे खुदा खासा ऑन रह जाता है तो खुद ही ऑफ भी हो जाए, ये ज़्यादा डाला जाता है। कॉलम इन्फॉर्मेशन डाल दी है मैंने, आगे लिए ट्रेसेस को छोड़ दें, बेसलाइन चेक का मतलब ये है कि अगर हम बेसलाइन चेक करते हैं कितने मिनट तक चले, तो इसमें लिखा हुआ 15 मिनट तक बेसलाइन चेक करेंगे, फिर नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रही कोई, तो ये यहाँ पर पैरामीटर डालने ज़रूरी है। स्टॉप बेसलाइन इफ़ कंडीशंस आर नॉट मेट, अगर कंडीशन मेट नहीं कर रही तब ये 15 मिनट में रुक जाएगा, दोनों सूरतों में 15 मिनट के बाद रुक जाएगा। और इसके बाद आपका क्या ट्रिगर जो है एक्सटर्नल है, ट्रिगर क्या चीज़ है, यहाँ पे ट्रिगर एक्सटर्नल, इधर आ जाए हमारा ये जो ये जो है ना ये केबल हमारा एक्सटर्नल ट्रिगर है, यहाँ पे बटन दबा के इसको ट्रिगर, लेकिन चूंकि ये अभी हमारा उसके साथ नहीं हुआ, ग्रेडियंट नहीं हुआ, ग्रेडियंट के अंदर ये ऑप्शन आइसोक्रेटिक के अंदर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे स्क्रीन से, ठीक है, हम लोग एक्सटर्नल ही इसको लिखा जाएगा, इंटरनल होता है ऑटोमेटिक जो होता है ना, ये मैनुअल में आएगा, ये मैनुअल में आएगा हमारा, मैनुअल करेंगे। एक्सटर्नल का होता है ऑटो सैम्पलर के साथ, जब ये HPLC ऑटो सैम्पलर के साथ चलेगा तो हम उसको एक्सटर्नल कहेंगे, ऑटोमेटिकली होगा, ये मैनुअल करेंगे हम लोग हाथ से। ये डाउनलोड कर दिया सारा मेथड, अच्छा इसका नाम ही रखा हमने, ठीक है ओके कर दिया, अब इसका हम नाम रखते हैं सेव एज कर लेते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं, ठीक है सेव एज करते हैं हम लोग, सॉरी मेथड सेव एज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमेशा मेथड और डेटा जो है वो डी ड्राइव में सेव करें, सी में मत करें, सी में हमारी विंडोज होती है जिसकी वजह से वो सारा डेटा आपका ज़ाया होने का खतरा है, तो डी के अंदर मैंने ये बनाया है, गौर से देखें, क्लोज करें,
कि एचपीएलसी डेटा है, मेथड है। तो चूंकि ये मेथड को सेव कर रहा हूँ तो एचपीएलसी मेथड के फोल्डर में चले जाएं, यहाँ पे आप लिखते हैं कैलिब्रेशन का मेथड है ये, ठीक है, इसको हम सेव कर दिए। अब ये कैलिब्रेशन का मेथड सेव हो गया। अब कैलिब्रेशन का मेथड के पैरामीटर फॉर्म के अंदर 2 ml होगा। जब भी हमें खोलूंगा इसको ओपन करूंगा, ये एसपीडी का 254 पे खुलेगा। अगर आपने सिप्रोफ्लेक्सिन का कराना है, मतलब आप पेरासिटामोल का कर रहे हैं, तो 272 इसकी मिल लेंथ है, तो वहाँ पे जब भी आप इसका सेव किया होगा पेरासिटामोल तो 272 ही निकलेगी। तो मेथड जो एक दफ़ा सेव हो गया तो वो अब आपको दोबारा ये सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी मेथड ओपन करेंगे और काम स्टार्ट, अब जैसे 6 महीने के बाद हम कैलिब्रेशन के लिए जाएंगे, मैं दोबारा ये पैरामीटर सारे सेट नहीं करूँगा, मैं कैलिब्रेशन का मेथड खोलूँगा और स्टार्ट हो जाऊँगा इस तरह का। तो लॉग इन में QCS से होगा, लेकिन आप लॉग इन होंगे एनालिसिस के लिए सफी QCN के नाम से। वो मैं पासवर्ड आपको दे दूंगा, आप उस पासवर्ड के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेथड हम रन करने लगे हैं सैंपल, तो उससे पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको इस चीज़ के, इसमें हमने ये पैरामीटर सेट करने हैं। ये तरीका बताता हूँ मैं इसके लिए। यहाँ पे जाने का तरीका ये है कि हम लोग करेंगे, ये एक आइकॉन है सिंगल रन का, ठीक है। सिंगल रन जो है यहाँ से भी जा सकते हैं, इसको दबाएंगे तो ये स्क्रीन आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि ये एनालिसिस के अंदर जाके ये एनालाइज करें, ठीक है। जहाँ पे भी सिंगल रन होगा यहाँ पे मैं तो आपको, यस ये सिंगल रन, ठीक है। सिंगल रन यहाँ से भी जा सकते हैं, तो सेम स्क्रीन आती है जिस तरह मर्जी चले जाए। तो ये लेकिन स्क्रीन लानी ज़रूरी है हर इंजेक्शन से पहले, क्योंकि हम हर इंजेक्शन का नाम रखेंगे और वो ज़रूरी है। यहाँ सबसे पहले हम आज का जो एनालिसिस है उसका नाम रख लेते हैं कैलिब्रेशन, लेकिन जब आप लोग एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप इसका नाम से सिप्रोफ्लॉक्सिन रख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम रख सकते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट, सिप्रो टैबलेट कह सकते हैं या लिंकोमाइसिन इंजेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये किसके प्रोजेक्ट का नाम है, मैं यहाँ पे कैलिब्रेशन देख सकता हूँ, कैलिब्रेशन के 2-3 इंजेक्शन लगाएंगे। फिर मेथड का जो पाथ है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये कैलिब्रेशन मेथड मैंने ये फोल्डर है जिसमें रखा है, और इसी तरह इसका पाथ मैं दोबारा बताता हूँ। डेटा के लिए फाइल का पाथ कहाँ से लिया मैंने, ये डेटा के लिए टीम में डेटा है हमारा एचपीएलसी डेटा, यहाँ पे कैलिब्रेशन, देन ये आज की डेट में हम लोग ये सारा डेटा जो है वो आज की डेट में चला जाएगा। डेटा फाइल जो यूनिक होना चाहिए, डेटा फाइल नेम जो है वो इट शुड बी यूनिक स्टैंडर्ड वन। अगर आप रखेंगे तो आप बैच का नाम रख लिखेंगे, यहाँ पे बैच नंबर और स्टैंडर्ड वन, मतलब बैच नंबर आप देख सकते हैं सिप्रो 020, मतलब सिप्रो 020 आगे लिख दें स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड टू, स्टैंडर्ड थ्री, स्टैंडर्ड फोर, देन सैंपल के 2 इंजेक्शन लगा इस तरह का किसी को। और इसके बाद हम लोग ये कैलिब्रेट का बटन इसलिए दबाएंगे कि इसके ये हमारे कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं, अगर ये नहीं दबाते तो कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स ये कैलिब्रेट कैलिब्रेशन कर्व नहीं बनाएगा, अभी ये कैलिब्रेशन कर्व बनाएगा। तो पिछला डेटा क्लियर करने के लिए पहले को क्लिक करना जरूरी है, पिछला डेटा से मतलब पिछला कैलिब्रेशन डेटा, दो नई कैलिब्रेशन करेगा कैलिब्रेशन, ओके। अब ये सारे पैरामीटर सेट करने के बाद हम लोग स्टार्ट का बटन दबाएंगे, लेकिन स्टार्ट का बटन किस वक्त दबाना है, जब हमारा इंजेक्शन रेडी हो जाए। इंजेक्शन रेडी करें, डालें, ठीक है, लोड पोजीशन ये लोड पोजीशन में करके हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे, नीचे से निकल रहा ठीक है ना। अच्छा ये हमारा इंजेक्शन फर्स्ट टाइम ज़रा ज़्यादा इसलिए लगाया कि लूप वगैरह वॉश हो जाएगी। तो हम लोग इसको जो ही इंजेक्ट करेंगे साथ ही इधर से स्टार्ट का बटन, ये स्टार्ट का बटन यहाँ से, ये अब स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अब हमारी बेस लाइन आनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। ये बेसलाइन आनी शुरू हो गई है, बोले आपको नजर आएगी अभी ये इस पे, आप ये देखिए ये वाली बेसलाइन ये चल रही है। इसकी हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, हम इस स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर लें, इसके ऑपरेशंस हैं, फुल जूमिंग है, एक्सेस है, हर चीज़ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस चेंज कर सकते हैं, सेटअप एक्सेस, यहाँ से हम ऑटो भी कर दिए, ऑटो पे चल रहा है इसलिए ऊपर चला गया। हम यूज़र रेंज दे दें, यहाँ से मिनिमम ये जो है
अगर 15 मिनट है तो मेरा जीरो से लेके वाई ये एक्स एक्स से चल रहा है तो हम 20 मिनट कर लेते हैं, 30 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। और मार्जिन इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सेस, वाई एक्सेस को हम लोग मिनिमम जो है जीरो और मैक्सिमम जो है वो हम लोग 200 इसको -50 कर ये हमारी बेसलाइन चल रही है। और इसमें हम लोग मज़ीद चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, प्रॉपर्टीज है, इसमें हम कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, स्कीम का कलर क्या होगा, ब्लू एंड वाइट करना है, कुछ भी करना है, ग्राफ किस कलर का होगा। फेस का क्या कलर रखना है सब कुछ, ये लेकिन पीक आ गई। अब ये भी देखते हैं अभी कितनी देर में पीक आती है, पहुँचता है।